सकुरावा थाना क्षेत्र के मोहरा नदी से किया जा रहा अवैध बालू का उठाव। जी हाँ, चौंकिए नहीं, ये जहानाबाद जिला है। जहानाबाद जिला बालू माफिया को आजकल सकुरावा थाना क्षेत्र से चांदी कट रही है। अवैध रूप से बालू का उठाव दिन हो या रात बेरोक ठोक जारी है। वहीं मोहरर नदी से बालू खनन की अनुमति नहीं है, फिर भी बेधड़क प्रतिदिन बालू का उठाव किया जा रहा है। इस कड़ी में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि मोहरर नदी से बालू की उठाव बेधड़क जारी है और दिन के उजाले में बालू लदा ट्रैक्टर जा रहा है। मानो वैसा प्रतीत हो रहा है कि चलान पर बालू लदा ट्रैक्टर जा रहा है। वैसे मैं जब भी पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सभी थानों को दिन हो या रात गश्ती में तेजी लाने को है, फिर भी कैसे बालू माफिया दिन के उजाले में बेधड़क बालू का उठाव कर रहा है और पुलिस मौन है। वहीं जब आप तक सच न्यूज के संपादक ने सकुरावा थाना प्रभारी मोहन प्रसाद से जब बात की, तब सकुरावा थाना प्रभारी मोहन प्रसाद सवालों से बचते नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं थाना प्रभारी, आप खुद सुने। जी, सकुरावा थाना प्रभारी सर से बात हो रही है सर? जी बात हो रही है सर। एक जानकारी प्राप्त करना था सर, जहानाबाद के सकुरावा थाना अंतर्गत में मोरहर नदी है, उसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है, अवैध बालू को उठाव किया जा रहा है सर, कितनी सच्चाई है उसमें सर? सत्यापन नहीं किया, सत्यापन कर लेते हैं। तो घाट स्टार्ट है, देखते हैं उसमें जाकर के, देखते हैं क्या सही है। क्योंकि सर एक वीडियो चल रहा है, उसमें अवैध रूप से ट्रैक्टर को दिन के उजाले में बालू का वहाँ उठाव किया जा रहा है, जबकि वो वहाँ पर उठाव करना गैर कानूनी है सर। जो जानकारी सत्यापन करने के बाद ही हम बता सकते हैं कुछ। अच्छा अच्छा, तो आपके जानकारी में नहीं है सर? नहीं, मेरे जानकारी में तो नहीं है। तो साइड में क्या पेट्रोलिंग गाड़ी नहीं होती है क्या सर? बिल्कुल होती है। पेट्रोलिंग होने के बाद भी सर दिन के उजाले में इस तरह का हो रहा है तो सर? अब जब बोल रहे हैं सत्यापन करने के बाद ही करेंगे, हो सकता है पुराना वीडियो डाल दिए हों। ओ, तो सर ये कब तक सर आपसे हम कंफर्म हो जाए सर? कंफर्म हो जाएंगे, अब करवा लेते हैं। आज तो ईद चल रहा है ना, ईद का तो उसी में चल रहे हैं ड्यूटी सर। जी जी जी, तो शाम को एक बार कॉल कर ले सर, आपसे बात कर ले क्या? ठीक है, आज के बाद कर लीजिएगा। ठीक ठीक है सर, शाम के बाद हम आपसे बात। ठीक सर, थैंक यू।